जितने भी परीक्षा एग्जाम उत्तर प्रदेश में होते हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर का हो, नलकूप ऑपरेटर का हो, कोई भी हो, सभी पेपर लीक होते हैं। कभी मुख्यमंत्री जी हनुमान भगवान को भी ये लोग नहीं बख्शते हैं। इतना बड़ा घमंड है कि ये भगवान को भी जाति से जोड़ने का काम करते हैं। कभी मुख्यमंत्री जी किसानों को लेकर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग गन्ना कम बोएं, शुगर होती है। तो सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी की आज लोकप्रियता का ये ढोंग रचा जा रहा है। मुझे लगता है श्री आदित्यनाथ जी एक कुशल प्रशासक के तौर पर पूरी तरीके से असफल साबित हुए हैं। कहीं पर उनकी कोई योग्यता और लोकप्रियता नजर नहीं आती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते उनको दूसरे प्रदेशों में सम्मान मिला, ना कि एक अच्छे प्रशासक और भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में। विपक्ष को हमेशा इस बात की तकलीफ रही है, कभी मोदी जी को लेकर रही है, कभी योगी जी को लेकर रही है। तो जो भी हमारे लोकप्रिय नेता हैं, जिनको आप देखिए कि देश के तमाम राज्यों में लोग सुनना चाहते हैं। आपने पिछले दिनों देखा था कि असम का चुनाव हुआ, त्रिपुरा का चुनाव, बहुत सी जगहों पे अन्य राज्यों में जहाँ चुनाव हुए वहाँ पर मुख्यमंत्री जी की जनसभाओं की मांग थी। और ऐसे भारतीय जनता पार्टी का ये गौरव है कि हमारे पास इस तरह के नेता हैं, लीडर्स हैं, जिनको लोग सुनना चाहते हैं। अब ऐसे में जिनको कोई सुनना नहीं चाहता, जिन दलों में उनके पास लीडर्स नहीं है, जिनकी जनसभाओं को कोई लेना नहीं चाहता, उनके उम्मीदवार तक नहीं लेना चाहते, तो वो तो परेशानी में रहेंगे, वो सवाल उठाएंगे।